नमस्ते। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में कक्षा 7 विषय गणित में त्रिभुजों का सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध के बारे में कुछ जानकारी दिए थे, जिसके तहत मैंने SSS सर्वांग समता प्रतिबंध के बारे में बताया, उसके बाद SAS सर्वांग समता प्रतिबंध के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में जो हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह है ASA सर्वांग समता प्रतिबंध एवं उस पर आधारित प्रश्न। तो आइए जानें ASA सर्वांग समता प्रतिबंध क्या होता है। ASA, A का मतलब यहां पर है एंगल, एंगल साइड एंगल। आइए इसके डेफिनेशन के बारे में जानें। अगर एक त्रिभुज में दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बारे में बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज ASA से कंग्रुएंट होगा। आइए उसका एक उदाहरण देखते हैं। यह एक ट्रायंगल है जिसका नाम LMN है, ये एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम XYZ है। हम ये मान लेते हैं कि एंगल M जो है वो 60 डिग्री है, एंगल N जो है वो 70 डिग्री है और MN जो है वो 4 सेंटीमीटर है। उसी तरह से हम मान लेते हैं कि एंगल Y जो है वो 60 डिग्री है, एंगल N जो है वो 70 डिग्री है और भुजा YZ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें दी गई आकृति में हम यह देख पा रहे हैं कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू एंगल Z इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड MN इज इक्वल टू YZ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ASA सर्वांग समता प्रतिबंध से हम यह देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल LMN में दो कोण, उसके अंतर्गत भुजा, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण, संगत दो कोण Y और Z और उसका अंतर्गत भुजा 4 सेंटीमीटर अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल LMN कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल XYZ से। कैसे? बाय ASA, एंगल साइड। देखिए दो एंगल के बीच में साइड, दो एंगल के बीच में साइड। इस तरह से ASA प्रतिबंध से दो ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट करते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं और ASA को समझते हैं। एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर एक, एक ट्रायंगल है जिसका नाम DEF है, एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम LMN है। एंगल E 55 डिग्री दिया हुआ है, एंगल F 40 डिग्री दिया हुआ है और DE जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। एंगल M 55 डिग्री दिया हुआ है, एंगल N 40 डिग्री दिया हुआ है और LM भुजा 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम ASA का डेफिनेशन को देखते हैं तो दो एंगल तो आपस में बराबर दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल DEF में देखिए एंगल E जो है M के बराबर दिख रहा है 55 डिग्री, एंगल F जो है N के बराबर दिख रहा है, लेकिन भुजा EF इसका माप नहीं दिया गया है और भुजा MN इसका भी माप नहीं दिया गया। तो क्या अभी तक ये डेफिनेशन सेटिस्फाई किया है? अभी तक का ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं किया है। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं और ये जानते हैं कि कैसे इसको हम ASA से कंग्रुएंट करते हैं। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग मिला के 180 डिग्री होता है। तो अगर हम ट्रायंगल DEF का बात करें तो एंगल D प्लस एंगल E
प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। एंगल डी हमें निकालना है, एंगल ई मालूम है कि 55 डिग्री है, एंगल एफ मालूम है कि 40 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी 55 प्लस 40 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री दैट इज इक्वल टू व्हाट 85 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी जो है वो कितना होगा 85 डिग्री। जब एंगल डी 85 होगा तो सेम एंगल तो यहां पर भी है 55 और 40 है, इसका मतलब एंगल एल भी निकालें तो कितना होगा 85 डिग्री। अब हम इसमें देखेंगे कि देखिए दो एंगल आ गया, अब इसके अंतर्गत भुजा आ गया, इसमें भी देखिए दो एंगल आ गया इसका अंतर्गत भुजा आ गया। तो हम अब यह निकाल सकते हैं कि इंट एंगल डी ई एफ एंड ट्रेंगल एल एम एन, देखिए एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एल इज इक्वल टू व्हाट 85 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू व्हाट 55 डिग्री। देखिए दो कोण आ गए, इसका अंतर्गत भुजा कितना है 2.5 सेंटीमीटर डी, ये भी दो कोण इसका अंतर्गत भुजा 2.5 सेंटीमीटर, एल एम इज इक्वल टू व्हाट 2.5 सेंटीमीटर। और देखिए ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए एस ए के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस बात को हम लोग जान ले कि अगर ट्रायंगल में दो कोण दिए हुए हैं तो तीसरा कोण दोनों ट्रायंगल में ऑटोमेटिकली बराबर होगा, अगर दोनों का कोण आपस में माप बराबर है तो तीसरा कोण का भी माप आपस में बराबर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी एफ कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल एक्स एल एम एन है कि नहीं, किससे तो बाय ए एस एस। मैंने बताया था कि अगर ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो रिमेनिंग पार्ट्स सीपीसीटी से कंग्रुएंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि भुजा डीएफ भुजा एलएन के बराबर होगा बाय सीपीसीटी बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए इसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है सीपीसीटी का, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट संगत भाग। तो इसमें हमने देखा कि अगर दो ट्रायंगल में दो कोण आपस में बराबर हो और उसका अंतर्गत भुजा नहीं दिया हुआ हो तो उसका अंतर्गत भुजा पहले हम निकालेंगे, उसका अंतर्गत कोण सबसे पहले निकालेंगे। देखिए इसका कोण निकाले, इसका कोण रिमेनिंग कोण था उसको निकाले, उसके बाद मेरा जो भुजा है दो कोण के बीच का भुजा निकल जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल ए एस ए से कंग्रुएंट होगा। आइए अब हम इसका एक दूसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या दो, यह एक ट्रायंगल है जिसका नाम दिया हुआ है बी क्यू आर, पी क्यू आर। एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है क्यू आर डी, इसमें यह कोण दिया हुआ है कि 40 डिग्री है, यह कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। उस तरह से यह कोण दिया हुआ है 40 डिग्री है, यह कोण दिया हुआ है 30 डिग्री है। इसमें हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू आर कंग्रुएंट ट्रायंगल डी आर क्यू। हमें यह साबित करना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसका डी आर क्यू का। आइए इसको देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल डी आर क्यू, देखिए पी क्यू आर में, पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है कितना देख पा रहे हैं, दोनों कोण को जोड़ेंगे तब मिलेगा, तो 40 प्लस 370 और डी आर क्यू में एंगल आर कितना देख पा रहे, देखिए तो
दोनों कोण को जोड़ेंगे तब मिलेगा 40 प्लस 3 70, तो दोनों कोण बराबर हो गए। फिर देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में ये जो एंगल पी आर क्यू है, देखिए ये एंगल कितना दिया हुआ 40, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू ट्रायंगल, देखिए डी आर क्यू में एंगल डी क्यू आर, एंगल डी क्यू आर, देखिए दोनों 40 दिया हुआ है, पी आर क्यू, पी आर क्यू में देखिए ये वाला एंगल है ना जी, और डी क्यू आर में, डी क्यू आर में देखिए ये वाला एंगल है ना, दोनों आपस में कितना हो गया 40। देखिए दो एंगल निकल चुके हैं। अब इसका ये देखिए क्यू आर, पी क्यू आर में भी क्यू आर है और डी आर क्यू में भी क्यू आर है, इसका मतलब दोनों में क्यू आर कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। तब देखिए ए एस ए का डेफिनेशन, दो एंगल उसके बीच का भुजा, पी क्यू आर में एक ये एंगल आया टोटल और एक एंगल ये आया, दो एंगल आ गया और उसके बीच का भुजा क्यू आर। डी आर क्यू में देखिए ये एंगल आ गया और एक ये एंगल आ गया, उसके बीच का भुजा क्यू आर, मतलब दोनों में हम देख रहे हैं कि दो एंगल उसके अंतर्गत भुजा कॉमन आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी आर क्यू का बाय ए एस ए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ए एस ए सर्वांग समता प्रतिभंग एवं उसके आधारित प्रश्न को देखा। अगले वीडियो में हम आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध को देखेंगे और उसके आधारित प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।